हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। हम प्लस टू क्लास की फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट संट एमीटर एंड वोल्ट मीटर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एमीटर एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट वोल्ट मीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर एंड अबाउट शंट रेजिस्टेंस। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन ये टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखें, समझें और नोट करें, कोई भी डाउट हो उसको पूछें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ओके, तो ये हमारा बोहर्स मैग्नेटॉन, आइए करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और ये समझ लो फ्री फंड के आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। क्या है बोहर्स मैग्नेटॉन? देखिए, बोहर का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो हाइड्रोजन एटम के मॉडल से है। बोहर का नाम हम जब भी सुनते हैं तो वो ज्यादातर किससे रिलेटेड सुनते हैं? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, बोहर्स के मॉडल के पोस्टुलेट भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं का कुछ इसमें जिक्र है। हम अपने पिछले वीडियो में एक चीज पढ़ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप, देखिए ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कॉपर वायर का बना हुआ है, करंट कैरिंग लूप है, और इसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसका एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ की तरह बिहेव करता है। और ये इसका फ्रंट व्यू है, यदि हम इसका लेटरल व्यू देखें, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। राइट हैंड थंब रूल से फिंगर्स का कर्वेचर करंट की डायरेक्शन को और थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कुछ इस तरह से होता है। तो एक फेस से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आता है, एक फेस से इनवर्ड जाता है, तो एक फेस नॉर्थ और एक साउथ की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो इसमें अपवर्ड जा रहा है तो ये वाला फेस नॉर्थ और नीचे वाला साउथ बनता है और ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसका फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हमने ड्रॉ किया था, कुछ इस तरह का होता है। और ये तो हम इवन 10th में भी करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम 10th में भी इस तरह का ड्रॉ करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका हम करते हैं इस तरह से। और क्योंकि ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, इसका एक फेस नॉर्थ और एक साउथ होता है, डाइपोल बन गया ना, डाई मतलब दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने पढ़ा था, एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। व्हाट वाज मैग्नेटिक मोमेंट? करंट इनटू एरिया। इसको नोट कर ले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। तो ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो ये एक करंट लूप की तरह बिहेव नहीं करेगा। अभी जो मैंने करंट लूप बनाया था उसमें मैं करंट को ऐसे शो कर रहा हूं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहे है। व्हाट इज द करंट? करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज। करंट कौन बनाते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर में चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर में ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तभी तो करंट ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इस कॉपर का जो वायर था करंट कैरिंग लूप और हाइड्रोजन एटम में क्या फर्क है? सेम ही तो हुए, बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स ही ना, तो ये भी करंट लूप है, तो ये भी एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है तो ये एक करंट बनाएगा और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस तरह से बनेगा और ये क्योंकि एक करंट लूप की तरह बन जाएगा तो फिर ये करंट लूप की तरह बन जाएगा तो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा
वो डाइपोल बन जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो सबसे पहले हमें वो डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। सो कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ओके। लेट आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ये पाथ हम क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। ई माइनस ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिहेव एज ए करंट लूप, सो इट विल बिहेव एज ए करंट लूप, एंड द करंट विल बी, करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड दे तो ई है ना, साइन माइनस छोड़िए मैग्नीट्यूड दीजिए, तो चार्ज कितना है ई, और टी है टाइम, ये टी टाइम पीरियड है, यहां पर जो टी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, तो यहां पे टाइम क्या ले सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, टू पाई आर, आर इसका रेडियस है, आर यहां पर क्या है, रेडियस, ओके, अपॉन स्पीड, वी यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट विल बी टू पाई आर, और स्पीड कितना हो गया, वी, ओके। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी हो गई, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन टी, टी की वैल्यू रखेंगे तो टू पाई आर अपॉन वी, सो इट बिकम्स ई वी अपॉन टू पाई आर, तो करंट आ गया कितना, ई वी अपॉन टू पाई आर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, करंट इंटू एरिया, करंट आई और एरिया हम निकाल लेंगे, कितना, आई की वैल्यू रखिए ई वी अपॉन टू पाई आर, और एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर रेडियस का एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैंसिल हो जाएगा, सो एम कम्स आउट टू बी ई वी आर बाई टू, एम कम्स आउट टू बी ई वी आर बाई टू। देखिए ज्यादातर केसेस में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ज्यादातर केसेस में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, ठीक है, तो ये यहां तक भी कर सकते हैं। इसके बाद बोहर मैग्नेटोन नहीं आया अभी, अब हमें बोहर मैग्नेटोन करना है, ईवीआर बाई टू तक आ गया, अब आगे चलेंगे इसी के अंदर, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी EVR by 2। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट पे, याद होगा आपको, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल, याद आया कि बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मॉडल का, तो मैं बताता हूं क्या था, एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, व्हाट इज एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व करता है तो
एंगुलर मोमेंटम होता है आर पी साइन थीटा आर क्रॉस पी, वेक्टर फॉर्म में देखें तो आर क्रॉस पी आर पी साइन थीटा। तो यहां तो ये तो हो गया आर और ये हो गया पी, लीनियर मोमेंटम। तो आर और पी में एंगल कितना होता है 90, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर पी साइन 90, साइन 91, तो एल इज इक्वल टू आर पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, जो क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एमवीआर हुआ ना। तो वो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम एमवीआर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, एन यहां पर क्या है इंटीजर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब 1 times, 2 times, 3 times होता है, किसका एच अपॉन 2 पाई का। और यहां पर एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके यहां पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और एन का मतलब है 1, 2, 3, एन 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहां से हम वी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी आर कितना आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम, एम इधर आ जाएगा ना डिवाइड में, सो अब उसमें रख दीजिए एम इज इक्वल टू ई इंटू वी आर बाई 2, सो ई इंटू वी आर कितना है एन एच अपॉन 2 पाई एम और बाई 2, ई बाई 2, ई बाई 2 और वी आर की जगह एन एच अपॉन 2 पाई एम, सो मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स एन ई एच अपॉन 4 पाई एम। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ एन, एन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हाइड्रोजन एटम का इन टर्म्स ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहां से इफ देखो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अलग से लिख के जा रहा हूं, इफ एन इज इक्वल टू 1, भाई एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 ही तो होगी, मिनिमम वैल्यू एन की 1, यानी के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो मिनिमम वैल्यू होगी 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेटोन। वो बोहर्स मैग्नेटोन है कि मिनिमम वैल्यू, यानी कि जब एन की वैल्यू 1 कर देंगे यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना वही बोहर्स मैग्नेटोन है। तो जब एन 1 कर देंगे तो एम क्या बन जाएगा, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, ये बन जाएगा, और एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम। देखिए पूरा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटोन, इसे बोलते हैं हम बोहर्स मैग्नेटोन। इसकी वैल्यू हम ड्राइव करेंगे तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 × 10⁻³⁴ अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22/7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹। सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो ये बोहर्स मैग्नेटोन की वैल्यू आ गई 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वेयर। याद रखें ये बोहर्स मैग्नेटोन की वैल्यू है, यानी के मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, यानी के मिनिमम वैल्यू है। अब आपको मान लो पूछते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में बताइए, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली ना, ये वैल्यू हमने निकाल ली, यानी के एम इज इक्वल टू एन इन टू, और ये वैल्यू हम निकाल ली फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल चुके हैं, जिसे हम बोहर्स मैग्नेटोन कहते हैं। ये वैल्यू है 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब मान लो आपको सेकंड में निकाल लिया, तो एन की वैल्यू 2 रख दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड में निकालना है एन की वैल्यू 3 रख दीजिए, फोर्थ में निकालना है तो 4 रख दीजिए, एंड सो ऑन। आप अलग अलग ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो अभी बंद करते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, 101% एग्जाम में आएगा। अगली वीडियोज के लिए बने रहें, थैंक यू।